welcome you all in our channel dr. agriculturist. i am devendra chaudhary. in this video, we are going to discuss about various diseases of gram, like wilt, gray mold, and blight. the disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition, एंड मैनेजमेंट दिस इज फॉर द कोर्स डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट टू विल्ट डिजीज ऑफ चिकपी चिकपी विल्ट इज कॉज बाई अ फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस्ट साइसेरिस सिम्टम सो पहले देखते हैं कि यह जो विल्ट डिजीज होता है वो कैसे डेवलप होता है जैसे कि यह प्लांट है ये इसके रूट्स हैं रूट्स का काम होता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट इन दोनों को एब्जॉर्ब करना और इसे प्लांट के ऊपरी पार्ट्स तक पहुंचाना और ये जो काम होता है वो जाइलम्स करता है एक तरह से मान सकते हैं कि ये पानी ले जाने वाला पाइप है तो ये जो पैथोजन होता है वो जाइलम्स में मल्टीप्लाई होता है जिसके कारण से ये जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं और पानी ऊपर की तरफ नहीं पहुंचता है और फिर ऐसे कंडीशंस में जब लिप्स को पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाती हैं और नीचे झुक जाती हैं इन्फेक्शन के बाद पौधे को पानी मिलना बंद हो जाता है तो जो निचली पत्तियां होती हैं पहले वो पीली पड़ती हैं फिर जो पूरा प्लांट है वो पीला पड़ जाता है और इसके पत्ते झड़ जाते हैं और अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट के जो स्टेम्स हैं या रूट्स हैं उनको अगर ओपन करके देखेंगे तो हमें वहाँ पर ब्राउन कलर का डिसकलरेशन दिखाई देता है और ऐसे जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं वो फील्ड के किसी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये एक सॉयल बॉन्ड पैथोजन है और मिट्टी के द्वारा ही ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो इसका जो स्प्रेड है वो स्लो होता है तो ये था विल्ड के सिम्टम के बारे में ये ही इसके सिम्टम ये एकदम लास्ट का स्टेज है जिसमें कि पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ये जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं वो फील्ड में पैचेस में प्रेजेंट होते हैं कहीं पे प्रेजेंट है कहीं पे एब्सेंट है और अगर इसके हम स्टेम को स्प्लिट करके देखते हैं तो इसमें ब्राउन कलर का डिसकलरेशन दिखाई देता है ये फंगस के ग्रोथ को शो करता है अब देखते हैं फ्यूजेरियम का इटियोलॉजी सो so, इसके जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और लाइट पिंक कलर के होते हैं और ये सब डिविजन ड्यूटेराम को बिलोंग करता है इसमें दो प्रकार के कोनिडिया बनते हैं मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया मैक्रोकोनिडिया बोट सेप के होते हैं हाई लाइन होते हैं मतलब रंगहीन होते हैं और लंबे होते हैं और सेप्टेट होते हैं और इसका जो टिप है वो ऐसे पॉइंटेड रहता है माइक्रोकोनिडिया स्मॉल होते हैं मुड़े हुए होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं और इसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोडोकियम बनते हैं और स्पोरोडोकियम में जो कोनिडियोफोर फोर होते हैं वो सिंपल और छोटे होते हैं इसमें क्लेमाडो भी बनता है ये क्लेमाडोस्पोर्स सर्वाइविंग स्ट्रक्चर है मतलब कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आता है तापमान ज्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है जिसके बाद इसके जो मैक्रोकोनिडिया हैं वो क्लेमाडोस्पोर्स बनाते हैं जो कि स्फेरिकल होता है और थिक वाल्ड होता है क्लेमाडोस्पोर के जो वाल होते हैं वो मोटे होते हैं जो इसे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं यह है इसका माइक्रोकोनिडिया स्मॉल है कर्व है और यह है मैक्रोकोनिडिया जो कि सेप्टेट है और इसका जो टिप है वो पॉइंटेड है फिर इसी मैक्रोकोनिडिया के कुछ सेल में थिकनिंग हो जाती है इसके सेल वॉल मोटे हो जाते हैं और ये क्या कहलाता है क्लेमाडोस्पोर और ये है इसका स्पोरोडोकियम और इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर हैं और इसमें ये बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में जो पैथोजन है वो सोइल में और क्रॉप डेब्रीस में एज अ माइसीलियम और क्लेमाडोस्पोर सर्वाइव करते रहता है और इसमें प्राइमरी इंफेक्शन हाइफी या फिर क्लेमाडोस्पोर के द्वारा होता है और सेकेंडरी स्प्रेड कोनीडिया और क्लेमाडोस्पोर के द्वारा होता है और ये वाटर या फिर फॉर्म इक्विपमेंट के साथ एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो इसका भी जो डिजीज साइकिल है वो बहुत ही इजी है पैथोजन यहां सर्वाइव कर रहा है सॉइल में फिर अगले साल जब क्रॉप लगाया जाएगा तो उसके रूट्स में इन्फेक्शन करता है वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में मल्टीप्लाई होते हैं और वाटर के ट्रांसलोकेशन को कम करते हैं जिसके कारण से हमें सिम्टम दिखाई देता है फिर जाइलम और फ्लोएम में ये फंगस मल्टीप्लाई होते हैं बहुत सारे कोनिडिया बनाते हैं अब ये कोनीडिया वाटर के द्वारा या फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन के समय एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते हैं और फिर नए नए प्लांट्स को इन्फेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में यह पैथोजन बनाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में आती है तो कौन कौन से हैं हाई सॉयल मॉइस्चर हाई सॉइल टेम्परेचर इसके लिए 25 टू तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए हाई रेनफॉल एक्सेसिव एंड फ्रिक्वेंट इरीगेशन पोअरली ड्रेंड सॉइल एंड क्लोज स्पेसिंग अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ चिकपी वील्ड फॉर एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक फील्ड सैनिटेशन खेत में बुआई से पहले जो पुराने क्रॉप के रेसिड्यू हैं वीड होस्ट हैं इन सबको रिमूव कर देना चाहिए रिमूव इंफेक्टेड प्लांट डेबरिस अप्लाई नीम केक और मस्टर्ड केक टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन हमें जितना ज्यादा मात्रा में हो सके नीम केक और मस्टर्ड केक को अप्लाई करना चाहिए ड्रेंचिंग विथ वन परसेंट बोडो मिक्सचर आर कार्बेंडाजिम जीरो पॉइंट टू परसेंट आर मैनकोजेब हमें जहां पर इंफेक्टेड प्लांट दिखेगा वहां पर यह सॉल्यूशन बनाकर डाल देना चाहिए उसी को कहते हैं ड्रेंचिंग सीड ट्रीटमेंट विथ फोर ग्राम ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेसन आर टू ग्राम कार्बेंडाजिम पर के जी ऑफ सीड हमें ट्राइकोडर्मा से या फिर केमिकल से सीड को ट्रीट करना चाहिए उससे क्या होता है जैसे हम यहाँ पर बुआई करेंगे तो सॉइल में इसके आसपास पैथोजन प्रेजेंट हो सकता है वो यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा अगर हम इसे बायो कंट्रोल एजेंट से या केमिकल से ट्रीट किए हैं तो क्या होगा ये केमिकल सीड्स में प्रेजेंट होंगे और फंगस से होने वाले इन्फेक्शन से बचाएंगे अप्लाई ट्राइकोडर्मा मिक्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर हमें ट्राइकोडर्मा को एफ के साथ मिला देना चाहिए और ऐसे ही उसको एक महीने तक रख देना चाहिए फिर एक महीने के बाद इसे खेत में डालना चाहिए क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट हमें एक ही खेत में एक ही क्रॉप को लगातार नहीं लेना चाहिए ऐसा करने से फील्ड में जो इनोकुलम है उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और डे बाय डे जो डिजीज की सीवियरिटी है वो बढ़ती है फ्लडिंग ऑफ फील्ड फॉर टेन डेज इफ पॉसिबल सो ये फील्ड होगा हमें खेत में पानी को भर के रखना चाहिए कम से कम दस दिन तक ऐसा करने से सॉयल में ऑक्सीजन की कमी होगी और वहाँ पर जो प्रेजेंट पैसोजन है वो मर जाएगा और हमें जितना ज़्यादा मात्रा में पॉसिबल हो ऑर्गेनिक मेन्योर देना चाहिए ग्रे मोल्ड ऑफ ग्राम ग्रे मोल्ड ऑफ चिक्पी इज कॉज बाई अ फंगस सिनेरिया सिम्टम लेक ऑफ पॉड सेटिंग इज द फर्स्ट इंडिकेशन जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो जो हमें पहला विजिबल सिम्टम दिखाई देता है या फिर इंडिकेशन दिखाई देता है वो है लेक ऑफ पॉड सेटिंग प्लांट्स में जो पॉड है उसके अंदर में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन सो सिमटम एंड प्लांट्स ऑफन डाई इन पैचेस जब फेवरेबल कंडीशन आता है उस समय इन्फेक्टेड प्लांट है वो फील्ड में जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं पैचेस में प्रेजेंट होते हैं श्रेडिंग ऑफ द फ्लावर्स एंड लीव्स कवर्ड विथ स्पोर मास कैन बी सीन जो भी फ्लावर्स होते हैं लीव्स होते हैं वो समय से पहले पीले पड़ के मर जाते हैं और झड़ जाते हैं और जो इंफेक्टेड पोर्सन है जहां पर पैथोजन का इंफेक्शन हुआ है वहां पर स्पोर्स दिखाई देते हैं लीजंस ऑन द स्टेम आर टेन टू थर्टी एम एम लॉन्ग एंड गर्डल द स्टेम फुली अगर ये सिम्टम स्टेम्स में आते हैं तो ये स्टेम्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं टेंडर ब्रांचेस ब्रेक ऑफ एट द पॉइंट वेअर द ग्रे मोल्ड हैज कॉज्ड रॉटिंग, जो टेंडर सूट्स होते हैं वो टूट जाते हैं कहाँ से टूटते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ से ये टूट जाते हैं अफेक्टेड फ्लावर्स टर्न इन टू अर रोटिंग मास अगर इन्फेक्शन फ्लावर में आता है तो उसमें रॉटिंग होती है लीजेंस ऑन द पॉड आर वाटर सोक्ड एंड इरेगुलर अगर ये इन्फेक्शन पॉड्स में होते हैं तो वहां पर वाटर सोक्ड लीजन बनते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं ऑन इन्फेक्टेड प्लान द पॉड्स कंटेन ईद स्मॉल सीड और नो सीड्स एट ऑल अगर इन्फेक्शन ज़्यादा मात्रा में आता है उस कंडीशन में पॉड्स के अंदर में सीड नहीं बनते हैं और अगर सीड्स बनते भी हैं तो वो झुर्रीदार होते हैं और स्मॉल होते हैं सो so, ये है सिम्टम इसमें पहले वाटर सॉक्ट लीजन बना होगा उसके बाद वो ग्रे कलर का हो गया और फिर इसमें यह ब्राउन कलर के फंगस के ग्रोथ दिखाई देते हैं ऐसी टाइप के ब्राउन कलर के ग्रोथ जो फंगस के माइसिलियम और स्पोर्स होते हैं वो पॉड्स में फ्लावर्स में लीप्स में स्टेम्स में सब तरफ दिखाई देते हैं ये है इन्फेक्शन इन सीड यहाँ पर जगह जगह पर ये जो पैथोजन है उसका इन्फेक्शन हुआ है और ये है इन्फेक्टेड फील्ड यहाँ पर ये पैचेस में प्रेजेंट है जैसे कि ये पूरा फील्ड है इस फील्ड में कुछ कुछ जगह पर ये इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं तो इसी को कहते हैं पैचेस सो so, इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि जो डिजीज है वो पैचेस में प्रेजेंट है जगह जगह पर प्रेजेंट होता है और ये है इन्फेक्टेड स्टेम स्टेम में ये ब्राउन कलर के माइसिलियम और ये बहुत सारे स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो ये है बोटराइटिस सिनेरिया। अब हम देखते हैं बोट्राइटिस की इटियोलॉजी बोट्राइटिस बिलोंग टू सब डिविजन

और यहां पर ऐसे कोनिडिया बनते हैं कॉलोनी कलर इज डार्क अगर हम बोटाइटिस को पीडीएम मीडियम में ग्रो करेंगे तो हमें डार्क कलर की कॉलोनी मिलेगी इट प्रोड्यूस स्क्लेरोसिया क्या होते हैं जैसे ये माइसिलियम है माइसिलियम बहुत सारे माइसिलियम आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं मिल जाते हैं तो फिर ये स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन करते हैं यह एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है उस केस में जो पैथोजन है वो स्क्लेरोसिया बनाता है यह है इसका कोनिडियोफोर, जो कि हाईली ब्रांच्ड है इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है और यह है यहां पर इसके ये जो कोनिडिया होते हैं वो ग्लोबस सेप के होते हैं अंडाकार होते हैं और यह है स्क्लेरोसिया जो पैथोजन है वो स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन करता है जो कि एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में पैथोजन क्रॉप डेबरिस में सीड्स में स्क्लेरोसिया और कॉनिडिया के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है बाद में जब क्रॉप लगाया जाता है और अगले सीजन में जब फेवरेबल कंडीशन आता है उस समय यह कॉनीडिया और स्क्लेरोसिया लिप्स में स्टेम्स में सीडलिंग्स में और पॉड्स में इन्फेक्शन करते हैं और सिम्टम डेवलप होता है उसके बाद से ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं और कॉनिडिया बनाते हैं ये कोनीडिया हवा में उड़ के दूसरे प्लांट्स में जाता है इन्फेक्शन करता है फिर क्रॉप जब खत्म हो जाता है उस समय ये स्क्लेरोसिया बनाते हैं और सॉइल्स में या क्रॉप डेबरिस में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते रहते हैं अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में मतलब कि ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है तो वो है 18 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ह्यूमिड एंड वार्म इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर ऑन द लिप सरफेस सो इन सब कंडीशन में डिजीज ज्यादा आती है मैनेजमेंट इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि इंटर क्रॉपिंग ऑफ चिकपी विथ लिंसिड अवॉइड एक्सेसिव इगेशन डीप समर प्लोइंग विप्ट ऑप्टिम स्पेसिंग सीड ट्रीटमेंट विथ कार्बेंडाजिम एंड थाइरम स्प्रे ऑफ केमिकल्स लाइक कैप्टान कार्बेंडाजीम मेनकोजेब एट फिफ्टीन डेज इंटरवल अब देखते हैं एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ चिकपी आर ग्राम दिस डिजीज इज कॉज बाई अ फंगस एस्कोकाइटा रेबी सिम्टम द इनिशियल सिम्टम ऑफ द डिजीज अपियर्स नियर द टिप ऑफ यंग सूट्स एंड टॉप मोस्ट लीब्स सो जो पहला सिम्टम होता है वो टिप में आता है और टॉप मोस्ट लीब्स में आते हैं द फंगस अटैक्स ऑल एवर ग्राउंड पार्ट्स लाइक लिव्स स्टेम्स पॉट्स एट एनी स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ सो ये जो इन्फेक्शन है वो क्रॉप के ड्यूरेशन में कभी भी आ सकता है और किसी भी एरियल पार्ट में आ सकता है बट द प्लांट्स आर मोस्ट ससेप्टिबल टू डिजीज ड्यूरिंग फ्लावरिंग लेकिन फ्लावरिंग के समय डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में आती है और इसका सिम्टम किस प्रकार से दिखाई देते हैं पेल ग्रीन आर येलो सर्कुलर डिप्रेस्ड लीजंस अपियर्स ऑन द लिप्स एंड पॉड सो पेल ग्रीन या येलो कलर के सर्कुलर और डिप्रेस्ड मतलब कि ये अगर प्लांट सरफेस है तो थोड़ा सा धसा हुआ लीजंस बनता है और लिब्स में और पॉड्स में ज्यादा बनते हैं इलांगेटेड लीजेंस ऑन द पेटियोल्स एंड स्टेम्स जो स्पॉट्स लीफ में और पॉट्स में आते हैं वो सर्कुलर थे लेकिन पेटियोल्स में और स्टेम्स में आने वाले जो लीजेंस है, हैं।, हैं वो इलोंगेटेड रहते हैं गडल द स्टेम्स ऑफ द प्लांट ये जो स्पॉट्स हैं वो स्टेम को चारों तरफ से घेर लेते हैं इन्फेक्टेड सीड्स में भी डिसकलर्ड श्रीवल्ड एंड पिकनीडिया में भी प्रजेंट ऑन द इन्फेक्टेड सीड अगर इन्फेक्शन सीड्स में होता है तो ऐसे सीड्स का कलर डाउन हो जाता है और वो झुरीदार हो जाते हैं और उसमें ब्लैक कलर के पिकनिडिया भी बनते हैं पिकनेडिया क्या है एसेक्सुअल फ्रोडिंग बॉडी पिकनेडिया में वी फॉर्म ऑन द लीजन यूजली इन द कॉन्सेंट्रिक रिंग ये जो पिकनिडिया होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग में बनते हैं जैसे यहाँ पर एक पिकनिडिया है थोड़ा सा फिर से यहाँ पर फिर यहाँ पर इस प्रकार से जो पिकनिडिया होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं इसके जो सिम्टम होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं ये लीफ में यहाँ स्टेम में और ये पॉट्स में भी सर्कुलर पहले लीजन्स बनते हैं बाद में इनका साइज बढ़ता है और ये बहुत सारे एरिया को कवर कर लेते हैं ब्लाइटनिंग हो जाती है और पॉट्स में भी आते हैं ऐसे सिम्टम ये थोड़े धसे हुए होते हैं अगर ये सिम्टम स्टेम्स में आते हैं तो पूरे स्टेम्स को घेर लेते हैं जिसके कारण से जो फूड मटेरियल है वाटर है उसका ट्रांसलोकेशन बंद हो जाता है और प्लांट मर जाता है और जब इन्फेक्शन ज्यादा मात्रा में आता है तो हमें सीड्स या ईल्ड बहुत कम मिलता है अब देखते हैं एस्कोकाइटा की इटियोलॉजी। जो एस्कोकाइटा है वो ड्यूटीरो माइकोटीना को बिलोंग करता है लेकिन इसका जो परफेक्ट स्टेज है उसे डिडाइमेला रेबी कहते हैं ये एस्कोमाइकोटीना सब डिवीजन को बिलोंग करता है माइसीलियम इसके माइसीलियम लाइट क्रीम कलर के होते हैं सेप्टेट होते हैं और ब्रांचड होते हैं इसमें एसेक्सुअल फ्रूडिंग बॉडी पिकनिडिया बनता है जो कि पियर सेप का होता है और सेक्सुअल फ्रूडिंग बॉडी बनता है और इसमें स्पोर्स एसेक्सुअलिडिया बनते हैं कोनीडिया का फॉर्मेशन पिकनिडिया में होता है और इसमें सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर होते हैं जो कि सुडोथीसिया में बनते हैं और इसके जो कोनेडिया होते हैं वो वॉल्क सेप के होते हैं अंडाकार होते हैं एक से दो सेल्ड होते हैं या तो ये सिंगल सेल्ड हो सकता है या फिर डबल सेल्ड होता है और थिन वाल्ड होता है हाई लाइन होता है मतलब कि इसका जो वाल है वो पतला होता है और इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है हाई लाइन या कलरलेस होता है ये है इसके कोनीडिया जो कि डबल सेल्ड हैं और ये है पिकनीडिया ये जो पिकनीडिया हैं वो ऊपर से इस तरह से दिखाई देते हैं और ये डार्क कलर के होते हैं अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में पैथोजन सर्वाइव्स इन इंफेक्टेड प्लांटेवरिस्ट एंड इनफेक्टेड सीड्स फिर अगले सीजन में जब इस प्रकार से इंफेक्टेड सीड्स को यूज किया जाएगा या फिर ऐसे जगह पर सोइंग की जाएगी जहां पर पहले से ही यह इन्फेक्टेड रेसिड्यू प्रेजेंट है तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा उस समय सोडोथीसिया से एस्कस और एस्कस से एस्कोसपुर बाहर आते हैं और ये जो सीड है सीड में जो कोनिडिया प्रेजेंट है वो प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं फिर ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर से पिकनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं ये पिकनीडिया कोनिडिया बनाते हैं और ये कोनिडिया दूसरे प्लांट्स में जाते हैं लीव्स में जाते हैं इन्फेक्शन करते हैं तो ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल और फिर जब क्रॉप खत्म होने के स्टेज में है उस कंडीशन में सोडोथीसिया बनता है और ये सुडोथिसिया क्रॉप डेबरिस में सर्वाइव करते रहता है सो so, इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हो गए सर्वाइवल प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन सर्वाइवल है सीड्स में और प्लांट डेब्रिस में इन द फॉर्म ऑफ कोनीडिया एंड सुडोथीसिया प्राइमरी इन्फेक्शन बाई एस्कोस्पोर एंड कोनीडिया सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई ओनली कोडिया आगे बढ़ते हैं फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड रेनफॉल मोर देन थ्री फिफ्टी एम एम ससेप्टेबल वेराइटी एंड हाई ह्यूमिडिटी अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि समर डीप्लोइंग एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडरमा एंड सूडोमोनास फ्लोरोसेंस यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड्स सीड ट्रीटमेंट विथ फंजी लाइक हॉट वाटर ट्रीटमेंट फिफ्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टेन मिनट रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड प्लांट डेब्रिज फॉलो क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉप विथ वीट बार्ली और मस्टर्ड सो हमें चिक्पी का इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए वीट के साथ या बार्ली के साथ या मस्टर्ड के साथ एंड ग्रो रजिस्टेंट वेरायटीज लाइक पूसा फोर जीरो एट पूसा फोर वन सेवन सो हमें इस प्रकार से रजिस्टेंट वेरायटी जो अवेलेबल हैं please watch more videos from our channel you can download lecture pdf from our telegram channel don't forget to subscribe dr agriculturist and hit the notification bell follow our facebook page ketiki jankari thanks for watching the video till end we will meet again in next video